राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा 2023 में कब है। 13 या 14 नवंबर गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, गोवर्धन पूजा की विधि, गोवर्धन पूजा की कथा और गोवर्धन पूजा की संपूर्ण जानकारी। शास्त्रों में गोवर्धन पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव से होता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिवाली के दूसरे दिन भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि पर इसकी भव्यता देखने लायक होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र के अहंकार को खत्म किया था। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कथा है। इस कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी वृंदावासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, हुआ वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वही चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत का सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रगड़ लगाया जाता है, वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा 2023। इस साल 2023 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दोपहर 2:56 से शुरू होकर
14 नवंबर को दोपहर 2:36 तक है। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023 मंगलवार को है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर सुबह 6:42 से 14 नवंबर सुबह 8:54 तक है। गोवर्धन पूजा के संपूर्ण विधि। सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद आप जिन भी देवता या देवी को मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर में गाय का गोबर लेकर आए। ध्यान रहे कि गोबर पूर्ण रूप से शुद्ध हो, अर्थात गोबर में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और ना ही उसमें गंदी मिट्टी लगी हो। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाए। ध्यान रहे कि गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में हो। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखे। नाभि वाले दीपक को दूध दही शहद बतासे और गंगा जल से भर दे। भगवान की आकृति को फूलों से सजाए और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करें। इसके बाद पूजा आरंभ करते हुए भगवान गोवर्धन को नवेद फल फूल अर्पित करें। भगवान गोवर्धन के आगे दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गोवर्धन की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल आकृति के चारों ओर गिराते चले। जल गिराने के साथ साथ जौ के बीज भी बोते हुए चले। परिक्रमा के पश्चात अंत में भगवान गोवर्धन की आरती उतारे। नाभि वाले दीप में मौजूद प्रसाद का वितरण करे और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद ले। गोवर्धन पूजा के दिन किए जाने वाले उपाय। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दिए जलाएंगी तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन आप घर के प्रत्येक कोने पर मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।